नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। स्वागत है आपका वॉर ऑफ क्रिकेट में। जी हां, क्रिकेट के महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और आज क्रिकेट की महाशक्ति टीम इंडिया मैदान पर कदम रखने जा रही है। टीम इंडिया का पहला ही मुकाबला एक और दिग्गज टीम दक्षिण अफ्रीका से है। अब से कुछ ही देर बाद ये हाई प्रोफाइल मैच साउथहैम्पटन में शुरू होने वाला है। इस मैच के जरिए जहां भारत अपने महाअभियान का आगाज करने जा रहा है, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में पहले इंग्लैंड और बांग्लादेश से हारकर मुश्किलों में फंस चुकी है। इससे पहले साउथ अफ्रीका दो मुकाबले खेल चुकी है और उसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड और बांग्लादेश से मुकाबला हुआ और अब टीम इंडिया से टक्कर होने वाली है। 3 बजे से पहला मैच टीम इंडिया का। टीम इंडिया अपने पहले मैच में वो सब कुछ झोंकना चाहेगी जिसकी जरूरत होगी। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि विश्व कप में विजयी आगाज करना बहुत जरूरी है, वो भी तब जब इस बार टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत खेला जा रहा है। सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलना ही है। ऐसे में सभी भारतीय फैंस की नजरें इस पहले मैच पर टिकी होंगी। वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कप्तानी में मैन इन ब्लू आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच से अपने वर्ल्ड कप सफर का आगाज करेगी। दो वार्म अप मैचों में एवरेज परफॉर्मेंस के बाद भी टीम के हौसले बुलंद हैं और लक्ष्य है किसी भी हाल में जीतना। साउथहैम्पटन के द रोज बाउल में मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। विराट कोहली की कप्तानी में टीम का पहला वर्ल्ड कप मैच है। भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच वर्ल्ड कप का 8वां मैच होगा। पहले मैच में बांग्लादेश से मात खा चुकी साउथ अफ्रीकी टीम को हराना क्या आसान होगा? इस सवाल पर विराट कोहली ने कहा कि हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेते। टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत है कि अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन कंधे की चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फैंस की दिलचस्पी इसमें भी है कि टूर्नामेंट के पहले मैच में विराट कोहली की सेंचुरी देखने को मिलेगी या नहीं। दिलचस्पी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि विराट ने 2011-2015 के वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में शतक ठोके थे। टीम इंडिया की जीत के लिए हर तरफ दुआओं का दौर भी जारी है। पटना से लेकर इंग्लैंड तक और रांची से लेकर साउथहैम्पटन तक टीम के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। हर तरफ टीम की जीत की कामना हो रही है। हर भारतीय दिल विराट को वीरों को जीतता हुआ देखना चाहता है और हर चेहरे पर जबरदस्त उत्साह है। और इस बात की उम्मीद भी है कि न सिर्फ टीम इंडिया आज दक्षिण अफ्रीका को मात देगी बल्कि तीसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा भी करेगी। इस वक्त का ताजा अपडेट आपको दे दें, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का चुनाव उन्होंने किया है। तो ऐसे में टीम इंडिया पहले बॉलिंग करेगी। कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं इंडिया के बॉलर्स, इस पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि पहली जो बाजी है वो जीतना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला मैच है जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं और टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता है।
जिसके बाद पहले बैटिंग करने का फैसला दक्षिण अफ्रीका ने लिया है, यानी कि इंडिया बॉल करेगी। टीम इंडिया बॉलिंग में किस तरह का प्रदर्शन रहता है, इसको लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि भारत में बैटिंग ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। मोहम्मद शमी, बुमराह, ये तमाम वो चेहरे जिनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले अब बॉलिंग का मौका मिल रहा है। बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीका पहले करेगा, टॉस जीतने के बाद ये फैसला दक्षिण अफ्रीका ने लिया। और हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़ रहे हैं, और साथ ही आरके बनर्जी साहब जो कि कोच भी रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के, वो हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। पहले चलते हैं प्रीतम के पास, उसके बाद बनर्जी साहब के पास भी चलेंगे। प्रीतम, काफी उत्साह है, आज से मैच शुरू हो रहा है। वर्ल्ड कप की जो बात होती है तो आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली मैच नहीं देखते हैं, क्रिकेट नहीं देखते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। कितना उत्साह आप देख रहे हैं? बिल्कुल, पटना एक छोटा सा शहर है लेकिन जो उत्साह है वो बिल्कुल चरम पे है। पहला मैच है, अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हम अभी यहाँ पे बीआईटी के कैंपस में हैं जहाँ रोजाना खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ कुछ क्रिकेटर्स हैं और उनकी टीम इंडिया से काफी उम्मीद भी है। अब चूंकि अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगा, क्या लगता है ये इससे कितनी संभावनाओं पर असर पड़ेगा? बहुत संभावना पे असर पड़ेगा कि वो लोग पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, बुमराह विकेट लेगा और फिर बल्लेबाजी करने से फ़ायदा मिलेगा वो लोग को, बाद में बल्लेबाजी करने से फ़ायदा मिलेगा, चेस करेगा तो जीतेगा। अली को चेस करना पसंद है और फिर धोनी तो है फिर फिनिशर के तौर पर। कुछ और खिलाड़ी हैं, क्या लगता है जो टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी तो शिखर धवन है, विराट कोहली है, एक लंबी चौड़ी टीम है हमारे पास, क्या लगता है किस प्रकार का यह मैच होगा? मैच तो अच्छा होने वाला है। हम लोग मतलब जो हम लोग के गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, वो विकेट तो लेते हैं ये स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उनको स्विंग मिलता है। क्या लगता है ऑलराउंड जो ये तो बल्लेबाजी? बिल्कुल, चलिए उम्मीदें बहुत है प्रीतम, और लोगों की उम्मीदें इसके साथ बढ़ती जा रही है क्योंकि मैच 3 बजे से शुरू होना है और टॉस जीता है हालांकि साउथ अफ्रीका ने। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये जो मैच है स्टार्टिंग है, काफी जोश के साथ, खरोश के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है, न्यूज रूम में भी काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, आप पहले अपना रिएक्शन दीजिए। साउथ अफ्रीका को लेकर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुश्किल कर सकते हैं, डिकॉक है, डुप्लेसी है, ये वो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल सलोनी, सबसे पहले मैं टॉस को लेकर बता दूं कि एक दौर था, आपको भी पता होगा, एक दौर था जब टीम इंडिया अगर टॉस हारती थी तो एक चिंता की बात हो जाती थी, ऐसा लगता था कि शायद टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगी, अगर विपक्षी टीम ने, विपक्षी खेमे ने बैटिंग पहले चुन लिया तो टीम इंडिया को चेस करना मुश्किल होगा। लेकिन अब बिल्कुल समय बदल चुका है, अब टॉस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये कहें कि चेस करने में टीम इंडिया अब ज़्यादा ताकतवर हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए कहीं चिंता की बात नहीं है। जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है टीम इंडिया लगातार। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी क्रिकेट के मामले में अपने तरीके से एक्सपर्ट हैं और वो बताएंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं जो इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। धर्मेंद्र जी बताएं जरा, इधर आप मुड़े प्लीज जी, बताइए क्या लगता है? आज भारतीय टीम ने जो टॉस हारने के बाद जो भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी का मौका मिला है, इस मैदान का रिकॉर्ड ये कहता है अभिषेक जी कि इस मैदान पर जो टीम पहले एक टारगेट सेट करती है उसको ज़्यादातर मैचों में जीत मिली है, तो इसको साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं अपने ध्यान में रखा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साथ ही साथ इस मैदान पर संभावना ये भी है कि बारिश देर सवेर हो सकती है, तो एक टारगेट सेट करना चाहती है साउथ अफ्रीका की टीम, ताकि जब डकवर्थ लुइस का वहाँ पर नियम अगर लागू हो तो भारतीय टीम को उसका फ़ायदा न मिले, साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करे और भारत को बैकफुट पर ढकेल सके। साउथ अफ्रीका की टीम ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी तो पहली सीरीज में ही डकवर्थ लुइस ने उसे हराया था जी, तो वो सारी बातें उसके दिमाग में होंगी। और साथ ही साथ इस मैदान पर संभावना ये भी है कि एक बड़ा स्कोर बनेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी तक जो हमने मुकाबले देखे हैं उसमें ज़्यादातर बड़े स्कोर बने हैं। इस मैदान का भी ये रिकॉर्ड रहा है कि 300 प्लस का स्कोर बन सकता है और साउथ अफ्रीका की टीम चाहेगी कि 350 के आसपास का एक लक्ष्य भारत के सामने रखा जाए,
क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है और भारतीय टीम अगर 350 का भी लक्ष्य मिलेगा तो उसको भी पार कर सकती है। तो बहुत अहम मुकाबला है खासतौर पर साउथ अफ्रीका के लिए और भारत के लिए तो शुरुआत है। चलिए मैं कुछ और भी आपसे जानूंगा लेकिन उससे पहले अनुज भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं। आप ज़रा बताएं, इधर इधर मुड़ जाए, बताइए ज़रा आपको क्या लगता है टॉस हारने का क्या है? देखिए अभिषेक जी, देश तो वही इंग्लैंड है और आपको याद होगा यही जून का महीना था 25 जून 1983 जब हमने वर्ल्ड कप हासिल किया था। भले ही मैदान साउथम्पटन का हो लेकिन जीत भारत की ही होगी और जैसे आपने देखा कि अफ्रीका ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत चेस करने में सबसे बेहतर इसका रिकॉर्ड है और हमें लगता है कि जो भी मतलब लक्ष्य दिए जाएंगे भारत उसे आसानी से चेस कर लेगा। और रोहित शर्मा जैसा ओपनर और भारत विराट अब देखिए भारत में बल्लेबाज भी सजे हुए हैं। आप विराट कोहली की बात कर सकते हैं, रोहित जो कि इसमें चेसिंग में बड़ा जाने माने खिलाड़ी हैं, फिर जा करके धोनी जो अपने आप में ही एक बड़े फिनिशर हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जीत तो इंडिया की ही होगी। लेकिन एक बात बताएं कि 4 मैच अब तक वर्ल्ड कप में जो हुए हैं टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका में, 3 साउथ अफ्रीका ने जीता है। लेकिन जो भी हो लेकिन भारत एक मजबूत टीम है, आप कई रिकॉर्ड को देख सकते हैं। वक्त बदल गया, समय बदल गया, इसके बल्लेबाज अब उन भय से उठ चुके हैं कि मैं अगर टॉस हार गया तो मैच हार जाऊंगा, ऐसा अब नहीं है। तो इसलिए मजबूती के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी है और वो जीत के ही आएगी, मेरा जहां तक अनुभव है। तो देखते जाइए। अब सलोनी, आपने सुना किस तरह से ये सारे लोग कह रहे हैं कि टॉस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि साउथ अफ्रीका ने एक बढ़त बनाई है इस ग्राउंड पर क्योंकि यहाँ पर स्कोर अच्छा बन सकता है। बिल्कुल अभिषेक, और काफी उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने एक बहुत मौजूद बात कही कि 4 में से 3 मैचेस साउथ अफ्रीका जीत चुकी है। आरके बनर्जी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, रांची से बेहतरीन कोच है, उन्होंने कोचिंग दी है धोनी को। आरके बनर्जी साहब, धोनी को मिडिल ऑर्डर में रखा गया, बैलेंस एक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बताइए कि पहले बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा है टीम इंडिया को, क्या ये थोड़ा असर डाल सकता है आपके लिहाज से? क्या कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं टीम इंडिया के? चलिए आरके बनर्जी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ अभिषेक, प्रीतम और सौरभ भी जुड़े हुए हैं, सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आपके साथ बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, काफी उत्साहित हैं क्योंकि टीम इंडिया जब खेलती है मैदान पर जाती है तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद होती है और इस बार उम्मीद बहुत पक्की है क्योंकि पिछले 12 मैचेस जो टीम इंडिया ने खेले हैं उसमें 8 मैचेस में फतेह हासिल की है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप को लेकर पूरे देश में उत्साह और खासकर राजधानी रांची में भी उत्साह है क्योंकि शहर धोनी का है और धोनी के शहर से कई क्रिकेट के जो फैंस है खासे उत्साहित है और आज के मैच को लेकर के तमाम जो क्रिकेट के फैंस है वो रोमांचित है। क्या लगता है आज के मैच को लेकर के, आज पहला मैच है, आज भारत जीतेगी, निश्चित जीतेगी? जिस तरह से रांची में हमारे महेंद्र सिंह धोनी का जज्बा 2011 में जिस तरह से वर्ल्ड कप लाया था और एक भारत की धरती पे वर्ल्ड कप लाने से जो उत्साह था और इस बार भी हम लोग चाह रहे हैं कि इस धरती में वर्ल्ड कप आए और हम युवा के लिए यही पे जागृत है, हम लोग युवा इसी सोच के साथ में उमंग के साथ चीयर अप कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को लेकर के, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है? मैं महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि जरूर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम ये जीत के लाएगी कप। धन्यवाद। टीम जीत कर कप लाएगी, 2011 का परफॉर्मेंस क्या 19 में भारतीय टीम दोहरा पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, 2011 में युवराज सिंह ने दोहराई थी, 2019 में हमारे पास कोहली है, केदार जादव है, रोहित शर्मा है, बहुत सारे हैं, तो 2019 में बिल्कुल आएगी। और 2011 की रात हमें बिल्कुल अच्छे से याद है, हम लोग बाइक पे निकले थे जब वर्ल्ड कप धोनी ने छक्का मारा था फिरालाल चौक। बिल्कुल, तो काफी बेहतरीन ये मुकाबला होने वाला है, उत्साह भी चरम पर नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप का महासमर है। लगातार हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, तो मतलब धोनी अभिषेक आपके साथ धर्मेंद्र जी हैं, काफी समझदारी से वो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो मैदान है उसने कैसे अब तक खिलाड़ियों को ट्रीट किया है और किस तरह का ट्रेंड रहा है। जरा उनसे ये पूछिए जो खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका के, एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके खेलने पर अभी तक संशय बना हुआ है, इसके अलावा डिकॉक है, डुप्लेसी है, नवाडा है, ये वो खिलाड़ी खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं।
बिल्कुल सलोनी, लेकिन उससे पहले रोशन भी हमारे साथ हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे कि क्या उन्हें लगता है ट्रंप कार्ड कौन होगा आज के मैच में। रोशन, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर रिकॉर्ड की बात करें, दो चार रिकॉर्ड की बात मैं पहले कर लेता हूं कि विराट कोहली पहले मैच में, वर्ल्ड कप के दो बार ऐसा हुआ कि पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई है। अगर वो जब टारगेट उनके सामने होगा और जब वो खेलने के लिए आएंगे तो ये एक लक्ष्य होगा उनके दिमाग में कि इस बार वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी बात, बॉलिंग अटैक में अगर देखें तो डेल स्टेन जैसा विश्व स्तरीय गेंदबाज जो है इस बार साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। एक और बॉलर जो है बांग्लादेश के साथ मैच खेलते हुए जो है इंजरी हुआ था, उनको उसको भी इस बार जो है सेलेक्ट नहीं किया गया है। ताहिर हैं और ताहिर पे दारोमदार होगा साउथ अफ्रीका की तरफ से, और रवाडा हालांकि रवाडा को लेकर के उकसाने की कोशिश किया था रवाडा ने विराट कोहली को, लेकिन विराट कोहली ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि नहीं भाई, रवाडा एक विश्वस्तरीय बॉलर हैं और उनसे मुझे सीखने की ज़रूरत है, यानी कि वो शांत हैं और पिच पे जा कर के बल्ले से जवाब देंगे रवाडा को। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो रवाडा का जिक्र भी मैंने किया था और उसको लेकर बताया भी है रोशन ने कि किस तरह से पिंच करने की कोशिश रवाडा ने जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली ने संयम का परिचय दिया है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्वालियर की बात कर लेते हैं जहां पर नन्हे खिलाड़ी और कोच को उम्मीद है कि आज टीम इंडिया शानदार खेल दिखाएगी और चोकर्स को हराकर विश्व कप में विजय से अपना अभियान शुरू करने वाली है। बच्चों की माने तो आज के मैच में कोहली, धोनी और राहुल अपना जलवा दिखाएंगे। आप खुद सुनिए ग्वालियर के क्रिकेट फैंस की राय। हम सोचते हैं कि भारत ही जीतेगी और एमएस धोनी पर बहुत दबाव है क्योंकि उसका लास्ट वर्ल्ड कप है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे आपको उम्मीदें हैं आज? मेरे को विराट कोहली, केएल राहुल, एमएस धोनी। हाँ, इंडिया जीतेगी। क्यों लगता है आपको इंडिया जीतेगी? क्योंकि ओपनिंग है ना, ओपनिंग में रोहित शर्मा और धवन अच्छा खेल रहे हैं अभी, और आईपीएल भी हुआ था उसमें रोहित शर्मा का अच्छा प्रदर्शन है, इसलिए लगता है आई इंडिया जीतेगी। मुझे लगता है कि केएल राहुल, विराट कोहली और एमएस धोनी सही खेलेंगे। देखिए, जैसे कि मतलब अपनी मतलब भारतीय टीम की जहाँ तक बात करें, उनकी जो बैटिंग है उसमें काफी गहराई है और अभी तेज गेंदबाजी का जो पहलू है, चूंकि इंग्लैंड में मैच होने की वजह से भारतीय तेज गेंदबाजी भी काफी सतर्क है, केवल फील्डिंग का ऐसा पहलू है जिसमें हम 19-20 हो सकते हैं। वही भोपाल के माता मंदिर में भी टीम इंडिया की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन पूजन। फैंस ने माता रानी से टीम इंडिया की जीत की दुआ मांगी है। कप में आज भारत दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा और भारत की जीत के लिए भोपाल में माता मंदिर में हवन पूजन और यज्ञ हो रहा है। आप देख सकते हैं क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर भारत की जीत के लिए हवन कर रहे हैं और आहुतियाँ छोड़ रहे हैं, घी की आहुतियाँ छोड़ रहे हैं और जो हवन सामग्री है उसकी आहुतियाँ छोड़ रहे हैं और भारत की जीत की जो है कामना कर रहे हैं, ताकि भारत जीते और दक्षिण अफ्रीका को आज के मैच में पटकनी दे। और इसके लिए तिरंगे झंडे के साथ क्रिकेट के प्रेमी जो हैं हवन पूजन कर रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ आहुतियाँ छोड़ रहे हैं ताकि भारत की जीत सुनिश्चित हो। आज आप लोग हवन कर रहे हैं, क्या भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो आज जो पहला मैच है हिंदुस्तान दक्षिण अफ्रीका का, उसमें विजय प्राप्त करें और हम वर्ल्ड कप भी जीते। ये बताइए, हवन पूजन से जीत जाएंगे? नहीं, ये हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा में बहुत बड़ा विश्वास से चलते यहाँ पर हवन पूजन हो रहा है। पुजारी जी से बात करते हैं, घी की आहुती छोड़ रहे हैं। पुजारी जी, हवन पूजन कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच है जीत से शुरुआत आगाज किया जाए और हमारा देश वर्ल्ड कप हमारे देश ही आए। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि शुरुआत भी हमारी अच्छी हो, दक्षिण अफ्रीका पे कम से कम 200 से लेकर 250 रनों तक की विजय प्राप्त होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी हो, और इसकी कामना यहाँ हवन पूजन के साथ कर रहे हैं। आज वर्ल्ड कप का पहला मैच है, भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों आपस में भिड़ेंगे और इसी की जीत की कामना के लिए भोपाल के माता मंदिर में हवन पूजन हो रहा है। क्रिकेट प्रेमी हवन पूजन करके भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत की टीम अच्छे स्कोर के साथ आज का मैच जीते। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रीतम का रुख कर लेते हैं पटना का, जहां पर प्रीतम तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। प्रीतम, ये जरा पूछिए अपने साथ जो लोग खड़े उनसे, क्या लगता है कितना आंकड़ा छुएगा, जो स्कोरिंग होगी इस पिच पर कितनी बेहतर रखने की उम्मीद है? देखिए, जिस पिच पे मैच हो रहा है आज का, वो काफी वहाँ पे स्कोर बड़ा हाई होता है, क्या लगता है अगर साउथ अफ्रीका पहले खेलती है तो स्कोर कहाँ तक जाएगा? स्कोर साउथ अफ्रीका खेलती है तो 340-50
टेस्ट जाएगा ही। कोई ऐसा है साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज जिससे कि आपको लगता है कि भारत के लिए, भारत के लिहाज से खतरनाक हो सकता है? डिकॉक, डुप्लेसी, फाफ डुप्लेसी दोनों बेहतरीन फॉर्म में है। आईपीएल जैसे आईपीएल में देखे तो काफी डिकॉक का अच्छा फॉर्म रहा, वैसे ही वनडे में भी अच्छा खेल रहे। आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है डिकॉक और फाफ डुप्लेसी, और बॉलिंग में रवाडा एक अच्छे होंगे और टाइल है। जब भारत के बल्लेबाज उतरेंगे तो उसमें क्या लगता है, वो इजीली चेस कर पाएंगे या फिर जो पिच है उसका भी असर पड़ेगा, जो वातावरण है, जो मौसम है उसका भी असर पड़ेगा, क्या लगता है? भारत इजीली तो नहीं चेस करेगी, थोड़ा ये ऊंचाई ऊंच नीच होगा और, लेकिन जीतेगी तो भारत ही। तो इस प्रकार से कह सकते हैं सलोनी कि यहाँ पे काफी उत्साह है भारतीय टीम से, यहाँ के जो लोग हैं उनको काफी उम्मीद है। कुछ और हमारे साथ हैं, क्या लगता है आपको? शिखर धवन का आईसीसी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उसको उनको बरकरार रखने के लिए बहुत मारेंगे। और वहाँ का वहाँ पे मतलब वातावरण चेंज भी होता है, कभी बारिश होता है कभी, तो उसके कारण फर्क पड़ सकता है वहाँ पे इंग्लैंड में थोड़ा बैटिंग में। धोनी जब आएंगे खेलने के लिए, क्या लगता है धोनी को आने की जरूरत पड़ेगी या फिर 3-4 नंबर तक खेल पूरा हो जाएगा? बिल्कुल प्रीतम, तो काफी उत्साह है और लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं भारतीय खिलाड़ियों से। आरके बनर्जी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तकनीकी खामी आ गई थी लेकिन अब उनका रुख कर लेते हैं। आरके बनर्जी साहब, सवाल वही होगा, मिडिल ऑर्डर में धोनी को रखा गया है, चीजों को काफी बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि इंडिया की बॉलिंग से ज्यादा अच्छी, ज्यादा मजबूत बैटिंग है, तो कितना उम्दा प्रदर्शन होने वाला और आपका जो शिष्य है वो कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या उम्मीद है? देखिए, हमको लग रहा है जी अभी पहले तो साउथ अफ्रीका जीता है टॉस, अभी क्या टॉस जीतने के बाद वो पहले बैटिंग लिए है, बैटिंग लेने के बाद वो क्या टारगेट देते हैं, अगर वो टारगेट का डिपेंड करते हैं जो हमारा बैटिंग ऑर्डर कितने तक जाते हैं, क्यों अगर ये टारगेट 300 रन का नीचे होगा हमको लगता है ऊपर वाला 3-4 बैट्समैन ही कैन वो ख़त्म कर सकता है, अगर ये 300 से ज़्यादा रन जाता है तो हमको तब 4-5-5-6 तक बैटिंग ऑर्डर आ सकता है। हमको लगता है मेरा इंडिया टीम का पहला काम होगा जे और साउथ अफ्रीका को जितना कम से कम टारगेट में बांध कर रखे, तो कम से देखिए इंडिया चेस करने में माहिर है, लेकिन जब गेम ये क्रिकेट ऐसा एक तो गेम है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है, कभी रन चेस करते हुए भी आप फटाफट विकेट खो देते, ये मौका बैटिंग में नहीं आना चाहिए, इंडिया टीम को इसी को कॉन्शियस होकर खेलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरके बनर्जी साहब जुड़ने के लिए जी बिहार झारखंड से। तो साफ तौर पर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लोगों को और काफी मजबूत बैटिंग हो सकती है, ये उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी सब जुड़े रहे, चाहे प्रीतम की बात करें या सौरभ या अभिषेक, आप सभी का शुक्रिया। हमारे साथ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, चलिए मंदिर में किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने। देखिए एक भावनात्मक जुड़ाव, कहा जाता है कि क्रिकेट यहां पर एक पूजा की तरह है लोगों के लिए, एक धर्म की तरह है और इसीलिए लोगों का जुड़ाव भी वैसा ही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाना है, ऐसे में रांची के राजकुमार धोनी के शहर में तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं वो पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आज पहला मैच है वो जीत के साथ टीम इंडिया आगाज करे। हमारे साथ कई क्रिकेट के फैंस हैं, सीधे उनसे ही जानना चाहेंगे कैसा मैच का एक्सपेक्टेशंस है और क्या प्रार्थना करते हैं पहाड़ी बाबा के दरबार पर आप लोग पहुंचे हैं। पिछला मैच जैसे कि हो रहा था, इंडिया बार बार अच्छा प्रदर्शन करते जा रहा था, लास्ट में कुछ गलतियां के चक्कर में सेमीफाइनल में वो बाहर हो गए, तो इस बार हम चाहते हैं जैसे कि रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे फॉर्म में अभी चल रहे हैं, तो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, शतक लगाएं और इंडिया को जीत दिलवाएं, इसीलिए हम लोग आज बाबा नगरी में आए हैं, उनसे प्रार्थना करने आए हैं, मनोकामना मांगने आए हैं कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीते और हो सकता है ये महेंद्र सिंह धोनी जी का आखिरी वर्ल्ड कप हो, तो चाहते हैं जीत के साथ उनको सम्मानित किया जाए और अच्छा प्रदर्शन। शहर धोनी का है, तमाम लोगों को धोनी से एक्सपेक्टेशंस है, आपके बेस्ट प्लेयर कौन है और क्या लगता है आज के मैच को लेकर के क्या कहेंगे? हमारे बेस्ट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी है और वही हमारे आदर्श भी रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक झारखंड से उठ करके और पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें धोनी से बहुत आशाएं हैं और आज मैच में इंडिया का जरूर जीत होगा और उसकी दुआ के लिए आए भगवान के पास। महेंद्र सिंह धोनी से एक्सपेक्टेशंस है, आप भी पूजा करके आए हैं, सिर पर तिलक है, क्या कामना किए पहाड़ी बाबा के दरबार में आकर? जैसे आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है और पूरे भारतवासी की तरह हम भी यही चाहेंगे कि भारत जीते, इसलिए हमने बाबा के पास आके भारत की जीत के लिए मन्नत मांगी है। आम तौर पर शहर धोनी का है, ऐसे में तमाम जो क्रिकेट के फैंस है उनको धोनी से खासा एक्सपेक्टेशंस है कि धोनी आज मैच में बेहतर परफॉर्मेंस करे और जीत के साथ भारत वर्ल्ड कप में अपना आगाज करे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी।